कर उसकी देखते हैं, ओवरी गोल संरचना है, अगर हम इसके टीएस को काट कर देखते हैं, इसके सेक्शंस काटते हैं, जैसे कि गोल आलू है, आलू को जो आप छोटे 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 पीसेस में काट दोगे तो वो पतले पतले पीसेस जो होंगे गोल गोल से संरचनाएं होंगी वो दिखाई देंगे। और इसी समय कभी कभी आप देखते हो कि जब आप आलू काटते हो तो आलू में आप में बीच बीच में कहीं गड्ढे गड्ढे से जो होते हैं वो अंदर तक होते हैं, और आप उसमें देखते हो कि वो गड्ढे हमें पीसेस में स्लाइसेस में भी दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके की बात यहाँ ओवरी में भी है बेटा, कि जो ओवरी है एक्चुअली ये ओवरी क्या है, ओवरी जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपने हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, ये अगर हम देखें कि ये यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब होती है, फिर यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मान लीजिए कि एक पोटैटो है ये, और जब हम इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस काटेंगे तो वो पीसेस में, जब हम पोटैटो मान लीजिए पोटैटो है और इसके अंदर जो चीज़ें होंगी जब हम इसके पीसेस काटते तो वो चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं। तो इसी तरीके से बेटा जो ओवरी का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे टीएस में देखेंगे तो हमें उसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स भी जो है वो दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं कि जब हम ओवरी को अंदर से देखते हैं तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ओवरी में नरिशमेंट लाएंगी, क्योंकि ओवरी में जो डेवलपिंग ओवम है या डिफरेंट ओवरी के जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स जिन्हें कहते हैं, उनको डेवलप करने के लिए नरिशमेंट चाहिए। तो वो नरिशमेंट कैसे आएगा, वो नरिशमेंट जो है वो ब्लड सप्लाई में आएगा, और ब्लड सप्लाई से ही ऑक्सीजन आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो यहाँ इस रीजन में जो ये सेल्स दिखाई दे रही है, इनको देखिए फॉलिकुलर सेल्स कहा गया है। इसके पहले ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं एक्चुअली ये प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये एक मैच्योर ओवरी को दिखाया गया है, इसलिए इसमें इसे हम प्रीमॉर्डियल जर्म सेल्स नहीं कहेंगे, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव सेल्स हैं, यानी ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल इन्हें कहा गया है। फिर देखिए इन्हीं सेल्स को देखिए, ये जो इस साइड से जब हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देखिए कि यही फॉलिकुलर सेल्स हैं, एक्चुअली इनके ही डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को दिखाया गया है, और फॉलिकल की जो सेल्स हैं उनमें क्या चेंज होता है, और फॉलिकल के अंदर जो सेल डेवलप हो रही है यानी ओवम डेवलप हो रहा है, एक्चुअली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ओवेरियन सेल्स हैं, जब एकदम ओवरी बनती है, जब कोई फीमेल चाइल्ड जो है, फीमेल एम्ब्रियो जो है अपनी मदर वूम्स में होता है, मदर के यूट्रस में रहता है, इम्प्लांटेशन के 4 मंथ के बाद क्या होता है, जब ओवरी में ओवरी का डेवलपमेंट शुरू होता है, उसी टाइम पर जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स उसमें मूव करके आई होती है उनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसी बात को आपको कई जगह पढ़ने को मिलता है कि जो ओवरी की जो जर्मिनल एपिथीलियम है, यानी कि अगर ये ओवरी है बेटा तो इसको जो लाइन करने वाली सेल्स है, कहा जाता है कि सेल्स लाइनिंग द ओवरी है ना, तो इन्हीं को नाम दिया जाता है जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना देखते हैं, इसके पहले का जो डिस्कशन है, इसके पहले का एक पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और एक्चुअली यहाँ से मैं आपको वही चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करूँगी जो कि आपकी एनसीईआरटी में बताई गई हैं। हमारा फोकस मेनली उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के ऊपर होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक्चुअली ये एक मैच्योर ओवरी का है, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक ओवरी होती है, यहाँ साइड में जो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिएगा बेटा कि ये एक मैच्योर ओवरी का दिखाया गया डायग्राम। तो ये ओवरी तो बन गई, ठीक है, फिर इसके अंदर ही जो इसकी जर्मिनल एपिथीलियम की सेल्स थी मैंने बताया, फिर वो क्या करती हैं, उनमें से ही कुछ सेल्स जो होती हैं वो ऊगोनियल मदर सेल बनाती हैं, ऊगोनियल मदर सेल उसका न्यूक्लियस हो गया ये, और कुछ सेल्स जो होती हैं उनके चारों ओर एक लेयर बना लेती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये रही, ये है बेटा ओवरी, और ओवरी के अंदर ये आप देख रहे हैं ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और ये जो है ये है ओवम, यही आगे चलकर ओवम बनेगा, तो इसीलिए इस ओवम को बनाने वाली सेल को ही ओवम मदर सेल कह दो, या ओवम को हम ऊगोनिया कहें अगर तो ऊगोनियल मदर सेल्स हैं यही, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है ओवरी के अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर की जो जर्मिनल एपिथीलियम है वो जर्मिनल एपिथीलियम ही स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनमें पावर ऑफ इमेंस पावर ऑफ सेल डिवीजन होती है, और ड्यू टू दिस पावर ऑफ सेल डिवीजन दे स्टार्ट डिवाइडिंग, एंड आफ्टर
सम माइटोटिक डिवीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियोनिक स्टेज दीज नंबर ऑफ सेल्स इन दीज नंबर ऑफ सेल्स सम सेल्स बेटा सम सेल्स फॉर्म ओगोनियल मदर सेल्स एंड अदर सम अदर सेल्स फॉर्म्स फॉलिकुलर सेल्स सम अदर सेल्स फॉर्म्स फॉलिकुलर सेल्स ये आप देखिए एक ओगोनिया कभी भी ओगोनियल मदर सेल स्टेज में भी जब है वो तो वो अकेले नहीं है वो उसके हमेशा चारों ओर जो है ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको हमेशा कवर किए रहती है क्यों कवर किए रहते हैं ये मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि डेवलपिंग ओवम को अपनी डिफरेंट फर्दर स्टेजेस में जाने के लिए या लाइव स्टेज में बने रहने के लिए जब तक फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है तो इसे नरिशमेंट चाहिए होता है ये नरिशमेंट देने के लिए ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ठीक है तो जब चाइल्ड बर्थ होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ओवरी बनती है तो ओवरी के अंदर ही ये पूरा डेवलपमेंट हो जाता है उसी समय ही ओगोनियल मदर सेल बन जाती है उसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स का एक लेयर बन जाता है और साथ ही साथ ये तो यहाँ तक का डेवलपमेंट कैसा हुआ प्रिमोर्डियल जर्म सेल से या जर्मिनल एपिथीलियम से इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट माइटोटिक डिवीजन कहलाता है इसके बाद आगे बढ़ता है वो स्टेप भी फीटल स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है उसमें क्या होता है कि मियोसिस भी स्टार्ट हो जाती है बट कंप्लीट नहीं होती आप जानते हैं कि मियोसिस दो स्टेप होती है मियोसिस वन मियोसिस टू फर्स्ट मियोसिस सेकेंड मियोसिस फर्स्ट मियोसिस में भी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज होते हैं तो फर्स्ट मियोसिस का प्रोफेज सिर्फ होता है यहाँ पे यानी कि ये माइटोटिक डिविजन्स हुए जिसमें कि ओगोनियल मदर सेल बनी और उसके चारों ओर क्या बनी फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर बनी और साथ ही साथ ये जो अंदर ओगोनियल मदर सेल थी बेटा ओगोनियल मदर सेल थी ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फेज में एंटर कर जाती है लेकिन फर्स्ट मियोसिस भी कंप्लीट नहीं होती है केवल मियोसिस में प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज स्टेनोफेज चार फेज है इनमें से केवल एक फेज यानी कि प्रोफेज केवल कंप्लीट होती है और उसके बाद मियोसिस भी रुक जाती है माइटोसिस हो जाती है और जितनी भी सेल ओवरी के अंदर पाई जाती हैं ये एम्ब्रियो की स्टेज में बेटा जितनी भी सेल ओवरी के अंदर पाई जाती हैं ये सभी इसी स्टेज में पाई जाती है देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो ओवरी है और इसके अंदर बेटा जितनी भी सेल्स जर्मिनल एपिथीलियम जो है जर्मिनल एपिथीलियम की सारी सेल्स जो होती हैं बेटा वो सभी क्या बना चुकी होती हैं ओगोनियल मदर सेल और उसके क्या बना चुकी होती हैं ये ओगोनियल मदर ये क्या बना चुकी होती हैं ओगोनियल मदर सेल्स तो यही आपकी बुक में लिखा है कपल ऑफ ओगोनियल मदर सेल्स कपल ऑफ ओगोनिया के रूप में चाइल्ड बर्थ होता है ठीक है यानी कि करोड़ों हैं ऐसी सेल ठीक है तो ये देखिए और ये सेल अकेले नहीं आती है इनके चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स भी रहती हैं हर एक सेल के चारों ओर फॉलिकुलर सेल होती है हर एक सेल के चारों फॉलिकुलर सेल होती है ओगोनियल सेल है उसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल है ओगोनियल सेल है इसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल है ओगोनियल सेल है इसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल है इसी रूप में यानी माइटोसिस भी हो गई और ये जो अंदर सेल है जिसे हम ओगोनिया कह रहे हैं ये भी प्राइमरी ये फर्स्ट मियोसिस स्टेज में आ जाती है और प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाता है यानी ये क्या बदल गई इसका नाम जनरली इसे ओगोनिया ही कहते हैं लेकिन इसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है तो जब हम आगे से पढ़ते हैं तो चाइल्ड बर्थ के बाद से पढ़ते हैं तब हम इसे कहते हैं कि ये प्राइमरी ओसाइट है लेकिन जब हम अपना डिस्कशन आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बुक में किया गया है तो इसको ओगोनिया सेल ही कहा गया है या ओगोनिया ही इसको कहा गया है ठीक है तो देखिए एक बार फिर से समझिए बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से देखिए कि ये ओवरी होती है और इसके अंदर जो है जो सेल्स हैं वो किस रूप में आ चुकी होती हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इसमें जितनी भी जर्म सेल्स रहती है वो सारी ओगोनिया बना चुकी होती है और ये ओगोनिया भी किस रूप में आ जाती है ये सभी ओगोनिया में माइटोसिस हो चुकी है और मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है ठीक है और इनको ओगोनिया ही कहते हैं ठीक है या कहीं कहीं आपको प्राइमरी ओसाइट भी मिलेगा दोनों कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है
और मियोसिस फर्स्ट किस में होती है, प्राइमरी ऊसाइट में ही होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी ऊसाइट भी कहा जाएगा। और ये क्योंकि लेकिन फर्स्ट मियोसिस पूरी तरह क्रम कंप्लीट नहीं हुई है, केवल प्रोफेज वन ही हुआ है उसका, इसीलिए इसको कहीं कहीं उगोनियल सेल या ज़्यादातर आप देखेंगे इसको लिखा हुआ होता है उगोनियल सेल ही इसके लिए जो टर्म है वो लिखा हुआ आपको मिलता है। और साथ ही साथ ये उगोनिया जो है इसके चारों ओर ऐसे एक लेयर जो होती है वो किसकी होती है, फॉलिकुलर सेल की या ग्रैन्यूलोसा सेल जिनको कहते हैं, उनकी एक लेयर भी इसके चारों ओर होती है। और ओवरी के अंदर ऐसी करोड़ों सेल्स होती हैं और इसी रूप में चाइल्ड बर्थ होता है। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ इधर ये जो डायग्राम दिखाया गया है बेटा, ये डायग्राम एक मैच्योर मैमेलियन ओवरी का टीएस दिखाया गया है, और ये जो डायग्राम इधर मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ओवरी में क्या स्टेजेस होती हैं। तो जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सभी एक ही समान अवस्था में रहती हैं, सबकी सभी, सबको केवल प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल यानी कि जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक क्या है, उगोनिया सेल है और चारों ओर कुछ एक लेयर फॉलिकुलर सेल की बनी हुई है। जितनी भी सेल्स होंगी करोड़ों में से करोड़ों की करोड़ों यही होती है और उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आपकी बुक में बहुत अच्छे से ये बात को लिखा गया है, इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। जो सेंटर में सेल होती है उगोनिया होती है, उसके चारों ओर ग्रैन्यूलोसा सेल्स की एक लेयर होती है, या कभी उसी को फॉलिकुलर सेल भी कहा जाता है, जिसका काम डेवलपिंग उगोनिया, जो कि उगोनिया कहीं लिखा है, कहीं प्राइमरी ऊसाइट लिखा है उसको, क्योंकि इसमें प्रोफेज वन शुरू हो चुकी है तो फर्स्ट मियोसिस शुरू हो चुकी है। और आप जानते हैं कि हमेशा 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 फर्स्ट मियोसिस किस में होती है, प्राइमरी ऊसाइट, उसके नाम के आगे प्राइमरी वर्ड लगा रहता है और उसको ऊसाइट भी कहा जाता है। तो इस स्टेज में चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है। अब ये स्टेज, ये आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती है, जो हमने पढ़ा, जो इसके पहले के हमने लेक्चर में देखा था, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि जब फीमेल की बॉडी प्रॉपरली उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छा हो चुका होता है, तब बॉडी जो है वो ब्रेन को मैसेज करती है और ब्रेन का हाइपोथैलमस GnRH रिलीज करता है और GnRH FSH और LH रिलीज करता है। जब फर्स्ट टाइम एंटीरियर पिट्यूटरी जो है GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाती है, उसको मैसेज करती है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जब फर्स्ट टाइम FSH और LH हार्मोन रिलीज करती है, जो कि गोनेडोट्रोपिन्स के नाम से जाने जाते हैं, गोनेडो मतलब गोनट्स, ट्रॉपिन्स मतलब स्टिमुलेटिंग, यानी ग्रोनट्स को अब अपना काम करना शुरू करना है, यानी कि FSH और LH जब आएगा तब इस स्टेज से आगे का डेवलपमेंट शुरू होगा, यानी कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का उसे सिंबल मानते हैं। और वहां पर आप देखेंगे कि यही जो इस स्टेज में प्राइमरी ऊसाइट सेल थी, या जैसे ही अगर उसके चारों ओर ये उस इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो हर मंथ एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवरी से रिलीज होता है और ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, वन मंथ का टाइम लगता है। और इस दौरान इस अंदर की सेल में, जो अंदर की सेल है जिसको उगोनिया कहा गया है, इस सेल में भी, और इसको जो कवर करने वाली बाहर की सेल है, ये सेल्स जो है इसको कवर करने वाली बाहर की जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स में भी, ये सेल्स जो आपको यहाँ पे इसके चारों ओर दिखाई देती है फॉलिकुलर सेल्स, इनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और साथ ही साथ जो कि उगोनिया या प्राइमरी ऊसाइट है, इसमें भी चेंजेस आते हैं। उगोनिया अंदर है या उसी को प्राइमरी ऊसाइट कहा गया है, उसके चारों ओर एक लेयर बनी है ग्रैन्यूलोसा सेल्स की या फॉलिकुलर सेल्स की। उगोनिया या प्राइमरी ऊसाइट और उसके चारों ओर ग्रैन्यूलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल्स, इसे ही एक साथ जब बोलते हैं तो बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, अगर आप इसको अच्छे से समझ सके तो। देखिए यही डिस्कशन कैसे, कि मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, एक ही एक क्या है कि जो उसके चारों ओर उसको नरिशमेंट देने वाली सेल्स भी चलती हैं और अंदर की तरफ एक ओवम भी डेवलप होता रहता है। देखिए ये, देखिए जब हम एक
फिर इसी तरह से एक मैच्योर ओवरी का डायग्राम यहाँ पर जो बना हुआ है इसे आप देखिए, तो इस डायग्राम में आप बेटा क्लियरली देख रहे हैं कि वही स्टेजेस दिखाई गई हैं जो वन मंथ के दौरान होती हैं। देखिए ये एक प्राइमरी फॉलिकल है जो डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, टर्शियरी फॉलिकल में बदलता है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। ये देखिए ये एक पूरा ग्रेफियन फॉलिकल फुली मैच्योर दिखाया गया है, उसके बाद ये फॉलिकल की सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर ही रह जाती हैं और उसके अंदर ये जो सेल डेवलप हो रही थी, यहाँ देख रहे हैं ये जो सेल अंदर की तरफ डेवलप हो रही थी जिसे कि पहले प्राइमरी ऊसाइट कहा गया था, फिर ये भी सेकेंडरी ऊसाइट बनती है। प्राइमरी ऊसाइट जो है वो सेकेंडरी, जब चाइल्ड बर्थ होता है और ओवरी में जो सेल्स हैं वो किस स्टेज में रहती है, प्राइमरी ऊसाइट में, और उसमें मियोसिस फर्स्ट भी पूरी नहीं होती है। तो जब फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर प्राइमरी ऊसाइट मैच्योर करती है और प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है। प्रोफेज के आगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पूरी कंप्लीट होती है, उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड में भी बेटा आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है, तो इस बार भी प्रोफेज और मेटाफेज ही कंप्लीट होते हैं। तो प्राइमरी ऊसाइट से जो सेकंड मियोसिस कंप्लीट होती है और सिर्फ प्रोफेज और मेटाफेज सेकेंडरी मियोसिस के कंप्लीट हो पाए होते हैं, उसके बाद उसी रूप में ये सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो ओवरी के बाहर, ये फॉलिकल अंदर रह जाता है और ओवम सेकेंडरी ऊसाइट के रूप में रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ओवम रिलीज होता है वो सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज में होता है। ये मेटाफेज टू अरेस्ट कंडीशन होती है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी ऊसाइट के रूप में ही चाइल्ड बर्थ हुआ था और चाइल्ड बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी ऊसाइट स्टेज ही मेंटेन थी। फर्स्ट मेंसेस के टाइम पर प्राइमरी ऊसाइट जो है वो क्या करेगी, अब आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करती है, जिसमें कि प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट मियोसिस का मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पहले कंप्लीट होता है। तो इस दौरान जो बाहर इसको कवर करने वाली ये जो सेल थी, जिनको हम फॉलिकुलर सेल कहते हैं, इनमें भी डेवलपमेंट होता है। ये एक लेयर से दो लेयर, तीन लेयर, बहुत सारी लेयर बन जाती हैं ग्रैनुलोसा सेल्स की। और ये अपना देखिए कि इसके अंदर एक कैविटी एंट्रम भी डेवलप हो जाती है। ये कैविटी क्यों डेवलप होती है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं वो सारी सेल्स जो है वो सिर्फ ओवम को नरिशमेंट देने के लिए ही बनी है। तो वो क्या करती हैं कि सेल्स सब केवल एक साइड में ओवम शिफ्ट हो जाता है, उस साइड जो है शिफ्ट हो जाता है और सेल्स जो है इसको कवर कर लेती हैं। और एक कैविटी जिससे बन जाती है बीच में, जिसको एंट्रम कहते हैं, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और ये क्या है, ये सिंबल है कि एक ओवम जो है वो मैच्योर हो रहा है। तो देखिए एक तरफ प्राइमरी ऊसाइट का भी डेवलपमेंट होता है और उसके बाहर उसको कवर करने वाली जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। जब चाइल्ड बर्थ हुआ है तो प्राइमरी ऊसाइट की कंडीशन में है वो, और उसके चारों ओर सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ये सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स भी डेवलप करती हैं, इनकी कई लेयर बनती है। तो और साथ ही साथ अंदर की जो प्राइमरी ऊसाइट है उसमें मियोसिस फर्स्ट पहले कंप्लीट होती है, फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई और सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हुई, तब तक जो डेवलपमेंट है वो इस स्टेज तक पहुंच चुका होता है और फॉलिकल के अंदर ही एंट्रम भी बन जाता है। और तब सेकेंड मियोसिस में प्रोफेज और मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है और मेटाफेज के बाद का डेवलपमेंट नहीं होता है और उसके पहले ही ओवम क्या होता है, ओवरी से रिलीज हो जाता है। बेटा अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आपको थोड़ा टिपिकल ज़रूर लगेगा लेकिन ये सारा मैंने बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है। और देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मैमेलियन ओवरी दिखाया गया है। ये एक मैच्योर ओवरी का डायग्राम है जिसमें कि डिफरेंट ओवेरियन स्टेजेस को दिखाया गया है। किसी एक समय ये सारी स्टेजेस किसी भी ओवरी में प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये अलग अलग दिन में जो स्टेजेस पाई जाती हैं उन्हीं स्टेजेस को एक में ही दिखा दिया गया है सिंपल डायग्राम दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा होता है कि एक दिन में केवल ये स्टेज होगी, किसी एक दिन में या तो ये स्टेज होगी,
फिर किसी एक दिन में ये स्टेज होगी, फिर एक दिन में ये स्टेज होगी, फिर इसी तरह डे वाइज ये इस तरह से स्टेजेस जो होती हैं पाई जाती हैं। लेकिन लेकिन जो प्राइमरी ऊसाइट वाली ये कंडीशंस है जिनको प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं बेटा, ये हर एक दिन हर एक टाइम प्रेजेंट रहती है। यानी कि ओवरी में क्या क्या प्रेजेंट होता है मैच्योर ओवरी में, पहले तो जिस रूप में चाइल्ड बर्थ हुआ था यानी बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल सेल्स थी। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल सेल किनको कहा हमने, जो अंदर प्राइमरी ऊसाइट है और उसके चारों ओर एक लेयर फॉलिकुलर सेल्स की है, और इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल में से एक एक फॉलिकल मंथली मैच्योर होता है, और मैच्योर में जो वन मंथ का पीरियड है उस दौरान ये प्राइमरी फॉलिकल्स तो रहेंगी ही, करोड़ों हैं, तो करोड़ों में से कोई एक मैच्योर होती है, तो कोई एक जो मैच्योर होती है उसकी स्टेजेस दिखाई गई हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में बदलता है, फिर फॉलिकल फट जाता है और फॉलिकल का खोखा ये जो है ये यही रह जाता, केवल अंदर की ऊसाइट जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और आप देखिए यहाँ आगे भी ये दिखाया गया, ये आपकी बुक का डायग्राम है, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में दिखाई गई है। अब देखिए बेटा यहाँ इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर केसी सोनी का लेक्चर था जो मैंने आपको सुनाया था, और ये डायग्राम उन्हीं से लिया गया है, उन्हीं की कटसी से लिया गया है, तो इमेज क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है, और इसमें बहुत अच्छा दिखाया गया था, इसलिए मैंने ये जो है ये डायग्राम यहाँ पर मैंने लिया है। मैंने कोशिश की कि मैं इसे कहीं और से ले पाऊँ, कोई ऐसा सोर्स हो, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छा मिला इसलिए मैंने यहाँ से लिया है। तो क्रेडिट, इमेज क्रेडिट गोज टू डॉक्टर केसी सोनी। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि एक तरफ देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किसका, जो अंदर का स्ट्रक्चर है। देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट लिखा है ना, और यहाँ देखिए क्या लिखा है, फॉलिकल की स्टेजेस लिखी हैं, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल। अब देखिए इसी फॉलिकल बेटा, ये जो यहाँ दिखाया गया है पूरा स्ट्रक्चर, ये फॉलिकल इसको कहते हैं। बाहर की जब फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स को भी हम डिस्कस करते हैं तो फॉलिकल कहते हैं, और इसके अंदर देखिए ये जो डेवलप हो रहा है यही ओवम है, इसी का हमने डेवलपमेंट पढ़ना है। लेकिन ये अकेले से डेवलप नहीं होता, इसके चारों ओर इसको नरिशमेंट देने वाली कोशिकाएं भी जिन्हें फॉलिकुलर सेल्स या ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं वो भी साथ साथ में डेवलप होती हैं। पहले एक लेयर में होती हैं, फिर उनकी मल्टीपल लेयर्स बनती हैं, फिर वो क्या करती हैं कि ओवम को देखिए एक साइड पर शिफ्ट कर देती हैं, जिससे कि क्या हो, अब ओवम क्या है, रिलीज़ होने के लिए भाई सेंटर से उसको साइड में आना पड़ेगा ना, तब तो रिलीज़ होगा। तो इस टाइम पर जो है अलग स्ट्रक्चर बनता है, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ये सब स्ट्रक्चर्स देखेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर क्या है, ओवम जो है ये रिलीज़ हो गया। यहाँ आप देखिए माइटोसिस हुई है, माइटोसिस से क्या हुआ कि माइटोसिस के बाद ओगोनियल सेल्स थी और वो उनमें क्या हुआ, मियोसिस स्टार्ट हुई, तो वो प्राइमरी ऊसाइट में बदल गई हैं, अरेस्टेड इन प्रोफेज वन लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी इसको किस स्टेज में दिखाया जा रहा है बेटा, इन सेल्स को दिखाया गया है टू एन कंडीशन में दिखाया गया है, एक्चुअली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज जब आती ना मियोसिस की, फर्स्ट मियोसिस की एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, और यहाँ केवल बेटा प्रोफेज ही हो पाई है, इसीलिए प्राइमरी ऊसाइट को 2N स्टेज में ही दिखाया गया है, और ये इसी स्टेज में चाइल्ड बर्थ हो जाता है, और जब फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है तब ये प्राइमरी ऊसाइट जो है डेवलप करती है, और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो इसमें प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज कंप्लीट होता है फर्स्ट मियोसिस का, उसके बाद सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होती है, और सेकेंड जब बेटा फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी तो आप जानते हैं कि फर्स्ट एक मियोसिस का एक फेज कंप्लीट होने पर एक सेल से दो सेल बनती है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती है, तो एक प्राइमरी ऊसाइट से दो डॉटर सेल बनती है यहाँ मियोसिस से। लेकिन बेटा आपको बहुत ध्यान देना है इस बात को कि यहाँ जो साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है अनइक्वल होता है, एक सेल जो बनती है वो बड़ी बनती है, क्यों, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और एक सेल बहुत ही छोटी बनती है। तो मियोसिस तो हो रही है लेकिन अनइक्वल डिवीज़न है ये,
और अनइक्वल डिवीजन से क्या फ़ायदा है कि सारा साइटोप्लाज्म एक ही सेकेंडरी ऊसाइट को चला गया है और इसका नरिशमेंट अच्छे से मिल पाएगा, इसका अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी, इसलिए ऐसा होता है। और जो दूसरी छोटी बनी होती है एक्चुअली ये ओवम नहीं बनाती है, इनको पोलर बॉडी कहा जाता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो प्राइमरी ऊसाइट का जब फर्स्ट मियोसिस ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कंप्लीट होता है तब जा कर के सेकेंडरी ऊसाइट एक बनती है और एक क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट मियोसिस भी कंप्लीट होता है और सेकेंड मियोसिस इसके बाद अब क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो प्राइमरी ऊसाइट जो खुद किस स्टेज में थी, टू एंड स्टेज में थी। जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ, आपको पता है मेटाफेज स्टेज में ही क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, इसलिए यहाँ जो सेकेंडरी ऊसाइट आपको मिल रही है ये एंड स्टेज में है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो है 23 हो गए हैं, जबकि प्राइमरी ऊसाइट में क्रोमोसोम कितने थे बेटा, 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, अब ये सेकेंडरी ऊसाइट इसी स्टेज में ये ओवरी के बाहर रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ओवम क्या करता है, मूव करता है, फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है, ओविडक्ट में मूव करता है, और मूव करने के दौरान अगर इसे कभी रास्ते में स्पर्म मिल गया, यानी कॉपुलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब और केवल तब ये सेकेंडरी ऊसाइट जो मेटाफेज अरेस्ट कंडीशन में है, मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट कंडीशन में है, तब इसमें जाके मेटाफेज के बाद एनाफेज और टीलोफेज ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म पर कंप्लीट होती है बेटा मेटाफेज सेकेंड, और तब मेटाफेज सेकेंड के आगे की प्रोसेस, और तब जो है ये कंप्लीट ऊटिड बनता है ओवम, तब ये कंप्लीट बनता है, यानी कि हर फीमेल के ओवरी से मैच्योर होने वाली हर एक ऊसाइट जो है मैच्योर ओवम नहीं होती है, वो सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में ही रिलीज होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज में ब्लीडिंग के साथ बॉडी से बाहर ऊज आउट कर दी जाती है ब्लड के साथ, यानी कि सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में ही ब्लीडिंग के साथ वो बाहर आ जाती है। और नहीं तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब और केवल तब ही ऊजेनेसिस कंप्लीट होती है ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म पे, और तब जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और एक सेल बनती है, नई सेल, फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसका नाम है जायगोट बनती है। और यानी कि जब सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हुई, ऊटिड बना, तो उस दौरान भी एक पोलर बॉडी और बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ओवरऑल तीन पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी तो डिवाइड करेगी, ये भी दो पोलर बॉडी बनाती है यहाँ, यानी एक फर्टिलाइजेशन के पहले दो पोलर बॉडी बन गई और फर्टिलाइजेशन के बाद एक पोलर बॉडी बन गई, टोटल कितनी पोलर बॉडी बनी है, तीन पोलर बॉडी बनी है। पोलर बॉडी का फंक्शन पूछा जाता है, एक्चुअली पोलर बॉडी का एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो नोन नहीं है, बस इतना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस बेटा इसका ये है कि एक ही ओवम अगर पूरा जो साइटोप्लाज्म है पूरा एक ही ऊसाइट को जाता है तो वो अच्छे से डेवलप होती है, यानी कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी आएगी तो वो क्या होगी, हेल्दी प्रोजेनी होगी, इसके लिए ऐसा होता है। बाकी एग्जैक्टली फर्स्ट जो पोलर बॉडी होती है उनका क्या रोल है ये नहीं पता। आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पोलर बॉडी क्या सभी फर्टिलाइजेशन के पहले बनती हैं या सभी फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक बार जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होती है, यानी कि प्राइमरी ऊसाइट जो है वो सेकेंडरी, यानी कि प्राइमरी ऊसाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी ऊसाइट बनती है, तो उसके साथ एक पोलर बॉडी बनती है। यही पोलर बॉडी जब सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगा तो यही दो में बदल जाएगी और सेकेंडरी ऊसाइट जो है वो ऊटिड में बदल जाएगी, लेकिन वो तब होता है जब स्पर्म की एंट्री हो, यानी कि एक पोलर बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है और एक पोलर बॉडी जो है एक बार फर्टिलाइजेशन के पहले बनती है। लेकिन जो वो पहले वाली पोलर बॉडी है वो क्या है भाई, हर बार मियोसिस में एक सेल से दो सेल बननी है ना, तो ये भी दो सेल बनाएगी, इसीलिए ये वाली जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी दो पोलर बॉडी के रूप में काउंट की जाती है और
ये वाली एक ही पोलर बॉडी के रूप में काउंट की जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मियोसिस यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये मेरा डिस्कशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल में ये डिस्कशन और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हमारा डिस्कशन जो है इसे हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का ये जो डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें आपको डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। और इससे भी अच्छा डायग्राम ये वाला डायग्राम है, इसे देखिए। तो इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ। तो बेटा, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी को हम देखते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में क्या है कि इन द जर्मिनल एपिथीलियम इज़ अ लेयर ऑफ सिंपल एपिथीलियम दैट कवर्स द सर्फेस ऑफ द ओवरी। यानी कि जो ओवरी है, ओवरी की सर्फेस पे जो एपिथीलियम है वो जर्मिनल एपिथीलियम है। एक्चुअली यही जो एपिथीलियम सेल्स हैं इन्हीं, यही आगे चल के जो है वो ही फीटल स्टेज में ही उन्होंने ओगोनिया बना लिया था, ओगोनियल सेल्स या ओसाइट्स बना ली थी, और कुछ सेल्स फॉलिकुलर सेल्स बना ली थी। और इन्हीं के स्टेज में, प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज में ही क्या हुआ था, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ओवरी में ये सेल्स प्राइमरी फॉलिकुलर स्टेज में ही प्रेजेंट रहती हैं। हम ओवरी की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर की तरफ जो होती है जर्मिनल एपिथीलियम होती है, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज़ अ व्हाइटिश कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड इमिडिएटली डीप टू द जर्मिनल एपिथीलियम। यानी जर्मिनल एपिथीलियम के बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर होती है। फिर हम ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो आप जानते हैं हमेशा कॉर्टेक्स जो पोर्शन होता है वो बाहर वाला पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन जो होता है वो बेटा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है ये मेड्यूला होता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में डिवाइडेड होता है। द ओवेरियन कॉर्टेक्स इज अ रीजन जस्ट डीप टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे का लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स सराउंडेड बाई डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स स्कैटर स्मूथ मसल सेल्स। यानी कहने का मतलब है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है वहीं पर ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं इनिशियल स्टेज में। ठीक है, द ओवेरियन मेडुला इज डीप टू द कॉर्टेक्स एंड कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। यानी कि जो हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, यानी कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद जो हमें डिफरेंट स्टेजेस, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये ऑल फॉलिकुलर स्टेजेस दिखाई देती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आउटर कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। और जो सेंटर मेडुला पोर्शन है ओवरी का, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, नर्व्स की सप्लाई होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो ओवरी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ ओसाइट्स, देखा हमने, इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उनको सराउंड करती हैं क्या, फॉलिकुलर सेल्स। व्हेन द सराउंडिंग सेल फॉर्म अ सिंगल लेयर दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। लेटर इन डेवलपमेंट व्हेन दे फॉर्म सेवरल लेयर्स दे आर रेफर टू एज ग्रैन्युलोसा सेल्स। कई बार मैंने आपको बताया कि जब एक ही लेयर होती है तो उसको फॉलिकुलर सेल कहते हैं, और जब उसी की लेयर जो है बढ़ने लगती है तो उनको हम कॉमनली ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अगर हम बात करें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को इस डायग्राम में दिखाया गया बेटा। तो ये क्या है, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज अ लार्ज फ्लूड फिल्ड फॉलिकल है। फ्लूड फिल्ड, देखिए ये इसमें एक कैविटी होती है जिसे एंट्रम कहते हैं। जब हम ओवरी की स्लाइड देखते हैं, ओवरी टीएस की स्लाइड देखते हैं, तो हमें यही स्टेज दिखाई गई होती है। जो मार्केट में प्रिपेयर्ड स्लाइड्स मिलती हैं उसमें यही स्टेज दिखाई गई होती है, जिसमें ओवरी के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज रहती है। इसीलिए जब आप स्लाइड देखोगे तो आपको एक बड़ा सा स्पेस खाली सा सेल के अंदर दिखाई देता है। एक्चुअली वो क्या होता है, वो स्टेज जो है वो क्या होता है, एंट्रम होता है। और हम जब स्लाइड के बारे में लिखते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। तो जब ओवरी टीएस स्लाइड का आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, तो उसमें पहला ही हम लोगों को लिखना होता है कि दिस स्लाइड शोज लार्ज फ्लूड फिल्ड कैविटी एंट्रम, सो दिस इज स्लाइड ऑफ मैमेलियन टीएस ओवरी। ठीक है, तो आप देखेंगे
कि मैच्योर फॉलिकल इज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल दैट इज रेडी टू रप्चर। अब ये फटने ही वाला है, और क्यों? क्योंकि इसका जो ऊसाइट है, जो सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में है बेटा, पूछा जाता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें जो अंदर डेवलपिंग ओवम है वो किस स्टेज में है। तो आंसर है बेटा सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में होता है, ठीक है, प्रोसेस। और फिर उसके बाद ये मैच्योर फॉलिकल क्या करता है, आगे जाके फट जाता है और ओवम इससे रिलीज आउट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल इज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल रेडी टू रप्चर, एक्सपेल इट्स सेकेंडरी ऊसाइट एंड एक्सपेल्शन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट फ्रॉम द फॉलिकल आउटसाइड ओवरी एट द सर्फेस ऑफ ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल के ओवरी की वो फट जाता है और जो ओवम है वो ओवरी की सतह पर आ जाता है, इसी प्रोसेस को बेटा ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड दिस अकर्स अंडर द इफेक्ट ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड ये जो कंडीशन बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ये जो कंडीशन होती है वो 12, 13, 14, 15 डे जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उस दौरान होती है। और उस कंडीशन में हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसे ही LH सर्ज कहा जाता है। पूछा जाता है डिफाइन LH सर्ज। LH सर्ज क्या है? तो आप बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से 15 डेज के बीच में फीमेल की बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिन्स में से LH हार्मोन जो होता है उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहता है, और इस कंडीशन में ही ओवरी से एक मैच्योर फॉलिकल रप्चर होता है ओवरी के अंदर, और फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में जो ओवम है वो ओवम ओवरी की सरफेस पर आता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और यही प्रोसेस इस दौरान होती है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, जब ओवरी के अंदर फॉलिकल रप्चर हो गया तो उसके बाद ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये पूरा खोखा जो है बेटा, ये बाहर के बाहर ही रह जाता है। अब ये किस में बदल जाता है, देखिए ओवम तो बाहर निकल गया लेकिन अंदर ओवरी के ये फॉलिकुलर का जो स्ट्रक्चर रह गया है, ये आगे चलकर एक दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्पस लूटियम। जब ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट ओवरी से रिलीज हुई होती है तो उसके बाद वन वीक ये बना रहता है। फिर नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर उस दौरान स्पर्म भी एंट्री हो गई है और जायगोट बन गया है, तो यानी कि लगभग अगले 15 दिन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा जायगोट का और प्रेगनेंसी की कंडीशन आएगी। अगर ऐसा होता है तो, और सिर्फ तभी, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब, ये जो कार्पस ल्यूटियम नाम का स्ट्रक्चर है ये नेक्स्ट वन मंथ भी बना रहता है और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, क्योंकि प्लेसेंटा ही मेनली प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है और प्रोजेस्ट्रॉन ही फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी की पॉजिटिव कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस को बनाए रखता है, इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जा रहा है तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम नामक स्ट्रक्चर ही प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है और फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी की पॉजिटिव कंडीशंस को बनाए रखता है। अगर ये नहीं बना, ये प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा तो कभी भी जायगोट जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा और जो प्रेगनेंसी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये तो वो कंडीशन हुई कि ये एक महीने तक बना रहा, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है और प्रॉपर प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद वहाँ से काम होता है, वहाँ से हार्मोन्स रिलीज होता रहता है, प्रोजेस्ट्रॉन रेगुलर रिलीज होता रहता है 9 मंथ्स तक, तो वो कंडीशन तब है जब प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होता है, तो देखिए दो आपको फेज मिलेंगे,
एक तो ये कि ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है इसका क्या हुआ, और ये जो फॉलिकल है जो कॉर्पस ल्यूटियम में बदला था इसका क्या हुआ, ये दोनों हमें देखना है। तो देखिए पहली एक कंडीशन जो है उसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, येलो बॉडी भी इसे कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर ल्यूटिन प्रोटीन होता है तो ये येलो कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कंटेन्स द रेमनेंट्स ऑफ अ मैच्योर फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो ऊसाइट है वो तो रिलीज हो गई और बाकी लेकिन फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो थे वो सभी रह जाते हैं और उनको ही कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन रिलैक्सिन अंटिल इट डीजनरेट्स इनटू फाइब्रस स्कार टिश्यू नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस, यानी कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये एक फाइब्रस टिश्यू यानी कि जिसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस उसमें बदल जाता है, यानी इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और क्या उसके बाद सिर्फ धब्बे के रूप में ये कॉर्पस एल्बिकेंस रह जाता है। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस जब फीमेल की, अगर किसी फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम है, चाइल्ड बियरिंग में प्रॉब्लम है, तो इनफर्टिलिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ पर वो टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या इनमें ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फीमेल की ओवरी में, ये देखने के लिए इसी स्कार को काउंट करते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस है कि नहीं है, है तो कितना है, यानी कि नॉर्मली इनकी एज इतनी है तो इनमें लगभग इतने कॉर्पस एल्बिकेंस होने चाहिए, तो उस हिसाब से ये चीज़ देखी जाती है कि वो फीमेल जो है वो नॉर्मल ओवुलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, उनमें ओवम एक्चुअली बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो ये टेस्ट करते हैं। यहाँ एक तो आपने देखा कि ये कैसे फॉलिकल डेवलप करेगा कॉर्पस एल्बिकॉन्स में, दूसरा लेकिन जो ये सेकेंडरी ऊसाइट है बेटा, ये सेकेंडरी ऊसाइट ये क्या होता है, ये ओवरी की फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है और क्या होगा, ये तब की कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या होगा, जब ये यूट्रस में पहुँचेगा, और बेटा जब भी ओवम यूट्रस में पहुँचे और वो जायगोट नहीं बना है, यानी कि वो ओवम सेकेंडरी ऊसाइट के ही रूप में आया है, तो क्या होगा कि जो यूट्रस है, यूट्रस की दीवाल है, यूट्रस की दीवाल पर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स यूट्रस की जो तैयारी होती है कि प्रेगनेंसी होने वाली है इसके लिए, तो बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो डेवलप हुई होती हैं, यूट्रस के अंदर की दीवाल बहुत मोटी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हुई रहती है, तो वो सारी ब्लड सप्लाई डिजनरेट करती है, टूटती है, क्लॉट्स रहते हैं, ब्लड क्लॉट्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, टिश्यू रहते हैं, और साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये भी यूट्रस में आया है, जैसे ये सेकेंडरी ऊसाइट इसी रूप में पहुंचता है वैसे ही यूट्रस जो है इस सारे क्लॉटिंग, इस सारे डीजनरेटिंग टिश्यू के साथ जो है वो यूट्रस के माउथ यानी वेजिना से ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है, और 5 डेज ये प्रोसेस चलती है, और इसे ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा गया है। तो यानी कि ओव्यूलेशन हुआ बेटा 14th डे में, ये देखा आपने 14th डे के बाद नेक्स्ट 14 डे जो है ये वो यूट्रस वेट करता है, नेक्स्ट 14 डे में जो स्ट्रक्चर यहाँ पहुँचा अगर जायगोट है वो, तब प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांट करता है ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस और चाइल्ड बियरिंग होती है। लेकिन अगर ये जो ऊसाइट है ये सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज में पहुँच रहा है यूट्रस में, तो क्या होता है।